सब्सक्राइब कीजिए टोटल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कर सके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि जल्द ही मैं रूल ऑफ साइन का सेकेंड वीडियो लेकर आऊंगा, तो मैं आज इसी पर बात करूंगा। और आज का जो वीडियो है सेकेंड वीडियो, वो रूल ऑफ साइन पर आधारित है। तो पिछले रूल ऑफ साइन के वीडियो में मैंने बात किया था मल्टीप्लीकेशन के बारे में, कि जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो किस तरह से मैथ में काम करता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है एडिशन, जो एडिशन का साइन है वो किस तरह से आपका मैथ में काम करता है उसके बारे में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं इन एडिशन, ताकि आप समझ पाए इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो गौर से देखिएगा, ज्यादा कोई भारी नहीं है, बहुत ही इजी है। पहले मैं यहां पर साइन लिख देता हूं, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू बॉक्स, और माइनस प्लस इक्वल टू बॉक्स। ये बॉक्स किस लिए दिए, ये लास्ट में हम इन पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम एक एक करके उदाहरण ले लेते हैं। तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, यानी प्लस थ्री और प्लस टू करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस फाइव। देखिए, प्लस थ्री और प्लस टू दोनों को जोड़ेंगे और थ्री और टू क्या हो जाएगा, फाइव, जहां पर हम जोड़ के यहां पर लिख दिए हैं। और साइन किस चीज का आ गया है, प्लस का। इस साइन को हम नहीं लिखते हैं, यहां पर आपको समझाने के लिए लिखा, अगर किसी अंक के साथ प्लस का साइन आता है तो उसे हम उस साइन को हम लिखते नहीं, डायरेक्ट उस अंक को हम लिख देते हैं। और अगर कहीं डायरेक्ट कोई अंक लिखा हुआ है तो आप समझिए कि इस अंक के साथ प्लस का साइन छुपा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं माइनस का। तो माइनस थ्री और माइनस टू इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, और फिर क्या करेंगे, थ्री और टू जुड़ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, माइनस फाइव। ऐसा आप समझिए कि किसी दिन आपका तीन रुपया खो गया यानी गिर गया, और किसी दिन फिर आपका दो रुपया खो गया, तो कुल मिलाकर आपने दो दिनों में कुल पांच रुपया को खोया, पांच रुपया आपका कहीं गिर गया। तो क्या किया हमने, दोनों रुपये, तीन रुपया गिरा और दो रुपया गिरा, इन दोनों को तो हमने जोड़ लिया, लेकिन क्या हमने बोला कि पांच रुपया मेरा, कुल पांच रुपया का नुकसान हो गया, पांच रुपया गिर गया, यानी माइनस का साइन दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड में जो है प्लस माइनस इक्वल टू कुछ नहीं दिया हूं, कुछ नहीं इसलिए दिया हूं क्योंकि देखिए, यहां मैं पहले समझा ही देता हूं। प्लस थ्री ले लेते हैं और माइनस टू ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस। और इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में सबसे बड़ा डिजिट का जो साइन है वही साइन आगे चलकर आता है। तो जाहिर सी बात है कि थ्री जो है वो प्लस में है तो आगे प्लस का साइन होगा, और प्लस का साइन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस, माइनस होगा तो तीन में और दो को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वन आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसी डिजिट को हम कर दें, माइनस थ्री और प्लस टू लिख दें, इसको सोल्व करें, तो सब इस स्थिति में क्या है, सबसे बड़ी संख्या का जो साइन है वो हम आगे लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या तीन है और तीन का जो साइन है वो माइनस है, और माइनस थ्री में दो को क्या करेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है यानी घटेगा, तो तीन में दो घटाने के बाद माइनस वन हमारा आंसर। इसी तरह अब बात करते हैं चौथे साइन पर। तो चौथे में जो लिखा हुआ है माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम क्या करेंगे, माइनस का, ठीक है। अब साइन क्या होगा ये डिपेंड करेंगे वहां के डिजिट पर। तो मान लीजिए यहां पे हम लिख लेते हैं माइनस फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू, तो माइनस फाइव, माइनस और प्लस, तो जाहिर सी बात है
माइनस होगा कि प्लस होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? पांच, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस आएगा। बड़ी संख्या का हम साइन लगाएंगे, लेकिन जो हम प्रोसेस करेंगे माइनस प्लस माइनस का प्रोसेस करेंगे, यानी पांच में तीन को हम माइनस करके यहाँ पे हम टू लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पर फाइव यानी प्लस फाइव माइनस थ्री होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ी संख्या फाइव है, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन हम जो प्रोसेस करेंगे वो प्लस माइनस माइनस का ही प्रोसेस करेंगे, यानी पांच में तीन को घटाएंगे और टू लिखेंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि एडिशन में जो साइन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट के साथ साथ शेयर करें। और मैं उस नए स्टूडेंट से विनती करूंगा कि जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है, उसे टच कर दें, प्रेस कर दें, और जस्ट उसके बगल में फिर आपके दाएं तरफ एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आप उससे लाभ ले सकें। अब हम बात करते हैं, टोटल एग्जाम का एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.totalexam.in। यहां पर जाकर आप बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर दिन आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक, ई पेपर और कई ई बुक्स आपको अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है टोटल एग्जाम का फेसबुक पेज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल्स को शेयर किया जाता है। और अगर आप फेसबुक यूजर हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आप टोटल एग्जाम के फेसबुक पेज को लाइक करें। लाइक इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप अपने सर्च बॉक्स में टोटल एग्जाम लिखें, ऑटोमेटिक वहां पर पेज शो करना शुरू कर देंगे, सर्च में आएंगे पेज टोटल एग्जाम करके, और जो इस वीडियो में कॉर्नर में ऊपर वाले कोने में दाएं तरफ के कोने में जो लोगो देख रहे हैं वही लोगो वहां पर लगा हुआ है, और उसे लाइक कर दें उस पेज को, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाए हमारे द्वारा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, इसका ट्विटर हैंडल भी है टोटल एग्जाम का, www.twitter.com/totalexam, और यूट्यूब पर ही भी www.youtube.com/totalexam। तो कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं कि आप फेसबुक पेज को लाइक जरूर करेंगे, साथ में अपने दोस्तों को सजेस्ट भी करें और शेयर भी करें। अब इसी वीडियो के साथ यहीं पर मैं लेता हूं आपसे विदा, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।